नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों रेलवे के बहुत सारे जो इतने भी पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, RPF SI और RRBJ, इनका एग्जाम जो है दोस्तों काफ़ी क्लोज आ गया है। इनका एग्जाम जो है 25 नवंबर से दोस्तों स्टार्ट होने वाला है और 17 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेगी। तो अब जो है काफ़ी टाइम कम बचा हुआ, तो इस जो 10-15 दिन का जो टाइम है इसमें क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम पे क्या आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो ये चीज़ें मैं दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जैसे असिस्टेंट लोको पायलट में CVT 1 में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 75 रहता है दोस्तों। उसमें जो है आपका टाइमिंग जो है 60 मिनट का रहता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लिए, दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए जो है आप जो है अभी लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं कि जो की फॉर्मूला है, जो शॉर्टकट्स है दोस्तों, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो शॉर्टकट हैं, ट्रिक है, ये सब दोस्तों आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए। जितने भी फॉर्मूला अगर मान लीजिए कि अगर आपने नोट किया हुआ है या कहीं से PDF अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो है जितने भी शॉर्टकट है उसको एक बार जरूर देख लें एग्जामिनेशन में जाने से पहले, क्योंकि ये आपको काफ़ी टाइम जो है सेव करेगा दोस्तों एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दोस्तों आप जो है क्या कर सकते हैं कि ये जो 15 दिन का समय अभी बचा हुआ है आपके पास, इसमें दोस्तों आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा जो है अगर क्वेश्चन मान लीजिए उस टाइम पे अगर देखने से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या पैटर्न रहने वाला है, तो प्रीवियस ईयर पेपर को जो है आप सॉल्व करें दोस्तों, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ी सी सुधर जाएगी। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे अर्थमेटिक, अलजेवरा, ज्योमेट्री एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ये सब जो है दोस्तों, ये काफ़ी क्वेश्चन इस सब सारे सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जो है दोस्तों थोड़ा सा इस पोर्शन को एक बार जरूर देख लें। अब हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग का। तो रीजनिंग में दोस्तों क्या होता है कि पिछले बार जो NTPC का एग्जामिनेशन हुआ और जो पिछली बार से जो पैटर्न रेलवे का है उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि दोस्तों पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा भर भर के आ रहा है दोस्तों एग्जामिनेशन में। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करें दोस्तों। ये जो है अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया तो ये वाली जो पोर्शन है इसको आप जरूर एक बार देख लें, क्योंकि इसमें से तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको मिलने वाली है। टोटल रीजनिंग के जितने क्वेश्चन होगा इसमें से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का देख सकते हैं। की टॉपिक जो है उसमें आप लोग दोस्तों सेलोलिज्म का क्वेश्चन, जो ब्लड रिलेशन का दोस्तों क्वेश्चन है वो, कोडिंग डिकोडिंग और एनालोजीज, ये सारी जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस सब टॉपिक को जरूर एक बार रिवाइज करके जाएं। सेलोलिज्म जैसे आप देखते होंगे कि सम पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर ब्लैक बोर्ड, इस तरीके जो क्वेश्चन रहता है तो उसमें से जो आपको कंक्लूजन जो निकालना रहता है, तो वो जो है आपको इस तरीके की क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आप जानते ही हैं कि एक औरत ने एक फोटो देखा, उसमें उसकी जो बहन है उसकी मम्मी की चाची की लड़का है, तो वो लड़का उससे कैसा क्या रिलेशन है उस लेडीज से, तो इस तरीके की क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलती है एग्जामिनेशन के दौरान, तो इस सब को देख लें दोस्तों एक बार। कोडिंग डिकोडिंग समझ सकते हैं आप लोग, जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। एनालॉजीज वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि अगर 11 इक्वल टू 121 है तो 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस सब टॉपिक को जरूर फोकस करें दोस्तों। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, दोस्तों मॉक टेस्ट जो है सभी पार्ट के लिए, मॉक टेस्ट आप सेक्शन लगाएं, अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं, अगर आपके पास अगर टाइम है, प्रॉपर टाइम मिल जाता है, तो आप जो है पूरे फुल मॉक टेस्ट
लगा सकते हैं दोस्तों। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों लगाना। जनरल साइंस की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करें दोस्तों, क्योंकि ये जो है कोई आपका आईआईटी का पेपर नहीं हो रहा है, इसमें कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बेसिक जो है वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके लिए जो है लुसेंट का बुक सही है। अगर आप पढ़ रहे हैं और लुसेंट का, तो उससे आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ह्यूमन एनाटॉमी, तो ये सारी टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सब टॉपिक को जरूर कवर करके जाएं। और प्रीवियस ईयर पेपर तो एज जो मैंने पहले भी बताया, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर एक बार देख कर जाएं दोस्तों। जनरल अवेयरनेस के लिए दोस्तों ल्यूसेंट इज बेस्ट बुक, ल्यूसेंट को कवर करें। और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, इसको कवर करने की कोशिश करें। लास्ट 6 मंथ का जो है करंट अफेयर को जरूर देख लें, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, स्पेशली स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, ये वाली सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको जरूर कवर करके जाए दोस्तों। प्रैक्टिस जीके क्विज, तो जीके का जो क्विज है वो जरूर आप, उसका जो आपका सेक्शनल जो टेस्ट होता है वो जरूर लगा करके जाए।